दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। इस समय ब्यावर के डीएसपी रहे हीरालाल सैनी चर्चा में बने हुए हैं और उन्हीं की बात लगातार हो रही है। राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब, छत्तीसगढ़, कोई भी स्टेट हो, हर जगह पुलिस विभाग में ब्यावर के डीएसपी की चर्चा हो रही है। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना है कि अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो अक्षम्य है, लेकिन राजस्थान सरकार ने जो मिसाल पेश की है वो सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने इस पूरे मामले में लगभग 4 और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। उसमें एएसपी रैंक का एक अधिकारी है, दूसरा सीओ है, 2 थाना अधिकारी हैं, 4 सिपाही, 5 और ये डीएसपी साहब हीरालाल सैनी, 6 लोगों को राजस्थान सरकार की पुलिस ने अभी तक सस्पेंड किया है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, बात ये हो रही है कि इनको बर्खास्त कब किया जाएगा, क्योंकि इस तरह की हरकतें पहले भी हुई हैं और लगातार राजस्थान की पुलिस बदनाम होती रही है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी। अब जरा बताते हैं कि इसमें जो 4 और अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है वो अधिकारी कौन हैं, उनकी क्या भूमिका रही है और कहां पर उन्होंने काम किया है। डीएसपी साहब का इतना रसूख रहा है कि थाने में FIR भी दर्ज नहीं हो पाई और वह पुलिस महिला अपने व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जो आपने देखा, 2 मिनट 32 सेकंड का, 2 मिनट 53 सेकंड का जो वीडियो है जो वायरल हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 में, उसको उस महिला कांस्टेबल ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था। लेकिन उसके पति जब थाने में गए तो उसके पति को भी थानेदार ने मना कर दिया और बताया जा रहा है कि सीओ साहब ने इस मामले को पैचअप कराने के लिए, समझौता कराने की बात कही थी। अब सभी निलंबित हो रहे हैं, अब सवाल हो रहा है बर्खास्त कब होंगे। आइए जरा उन नामों को बताते हैं कि कौन कौन अधिकारी हैं और किन्हें किन्हें निलंबित किया गया है। अधिकारियों का नाम, झोटवाड़ा के ASP हैं हरशंकर शर्मा, कुचामन के CO हैं मोटाराम बेनीवाल, कालावाड़ थाना के प्रभारी हैं गुरदत्त सैनी और चितवा थाने के प्रभारी हैं ओम प्रकाश मीणा। ये 4 अधिकारी हैं जिन्हें शामिल होने में लगभग इन्हें बाहर किया गया है। तो इन 4 अधिकारियों का नाम आपने सुना, झोटवाड़ा, कुचामन और जो थाने के 2 थाना प्रभारी थे, उन चारों को निलंबित किया गया है। राजस्थान ही नहीं पूरे देश की यह मांग है कि इन्हें बर्खास्त कब किया जाएगा। सरकार के ढीले रवैये पर लोग कमेंट कर रहे हैं, उनका कहना है अब तक इस वीडियो को देखने के बाद सरकार को इन सभी अधिकारियों को बर्खास्त करने देना चाहिए क्योंकि सभी उस कांड में शामिल हैं। अगर यही काम कोई अपराधी के द्वारा होता तो चीजें कहां पहुंच गई होती। लेकिन ये बात बहुत ही समझने की है, बहुत ध्यान देने की है कि इस डीएसपी के चक्कर में जिन अधिकारियों ने न्याय नहीं दिया है और न्याय न मिलने के बाद जो कहानी है प्रदेश की, ऐसे में अशोक गहलोत सरकार से तमाम सवाल होते रहेंगे क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने इस मसले पर अपने रवैये को साफ रखा है। लेकिन DGP कार्यालय जिस तरह से एक्शन में है इसकी भी प्रशंसा हो रही है, लेकिन बात यही हो रही है कि अभी तक बर्खास्तगी क्यों नहीं हो पाई है। इन 6 अधिकारियों को निलंबित करके एक सिपाही के साथ जो 5 अधिकारी निलंबित हुए हैं, इनकी बर्खास्तगी कब होगी, सवाल लगातार जारी है क्योंकि सवाल है एक बच्चे का, सवाल है समाज का। और आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरा लगातार इस वीडियो बनाने का मकसद बस यही है, इन अधिकारियों को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे अधिकारी जहां लिप्त हों उन पर तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह की बातों ने लोगों के दिल और दिमाग को तोड़ दिया है। आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।